13 अप्रैल 1940 नजमा हिब्तुल्ला का जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश। 1960 जूलॉजी में एमएससी एमवीएम कॉलेज भोपाल। एमवीएम भोपाल से ही 22 साल की उम्र में 1962 में कार्डियक एनाटॉमी में पीएचडी। 1962 में ही नजमा ने हमीदिया कॉलेज भोपाल में पढ़ाया। 7 दिसंबर 1966 अकबर अली ए हिब्तुल्ला के साथ भोपाल में विवाह। 1973 से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर और उसके बाद पार्टी में विभिन्न पद संभाले। 1980 राज्यसभा में प्रवेश। जनवरी 1985 से जनवरी 1986 डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। 1986 एक बार फिर राज्यसभा की मेंबर। 1986-87 जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। 1988 से दोबारा राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन। 1992 तीसरी बार राज्यसभा की सदस्य। संसद के इन गलियारों में और संसद के बाहर भी चर्चा का एक अहम मुद्दा आजकल ये बना हुआ है कि राजनीति में औरतों की क्या जगह होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के 18 साल के राज के बावजूद भारतीय संसद तक औरतें कम ही पहुंचती हैं, और अगर पहुंच भी पाती हैं तो कम ही दिखती हैं, मर्दों से कम सुनी जाती हैं, संसद के पिछले बेंचों पे मानो छुप सी जाती हैं। लेकिन एक औरत है जो दिखती भी है और सुनी भी जाती है। आइए मिलिए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नजमा हिब्तुल्ला से। I get up at 6 o'clock, and then I pray, and then by 7 o'clock the newspapers come, and we read the newspapers, and while telephone starts coming, and people start talking. For if the session is on, then the members telephone ki humko ye bolna hai, ko somebody will say we want to raise this issue and that. Jaise koi train accident ho gaya, bomb blast ho gaya, kuch dusre kuch. महिला के ऊपर अत्याचार हो गया उसकी खबर आ गई तो मुझे मालूम है कि ये मामला उठेगा हाउस में, तो मुझे पहले से पता रहता है कि क्या क्या होने वाला है। फिर उसके बाद क्योंकि जब सेशन होता है तो 10 बजे जाना ही पड़ता है, तैयार पहुँचना पड़ता है। हाँ, 10 बजे मैं अमूमन 10-10 तक पहुँच जाती हूँ आमतौर पर। तो उसके लिए 9:30 बजे तैयार हो गए, नहा धो के। नाश्ता वही जब अखबार पढ़े तो नाश्ता, चाय, टोस्ट, कोई बिस्किट। कहा जाता है कि नजमा जी को राजनीति में लाने के लिए इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार थी। इंदिरा जी की कौन सी बात ने नजमा को इंस्पायर किया? सबसे बड़ी बात थी चैलेंज लेती थी वो, और कोई महिला जी बहुत बड़ी बात होती है, ये पुरुष समझ नहीं सकते, आप समझ सकती हो। और जब वो सत्ता में थी तो वही पुरुष उनके झुकते थे, जब वो मुश्किल में पड़ी कम लोग रह गए। पर वो उस औरत ने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत से मुकाबला किया, तो मैं उस हिम्मत के सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ। किसी में भी अगर हिम्मत होती है, चाहे पुरुष हो के महिला हो, मैं उसकी कदर करती हूँ। मुझे कमज़ोर लोग पसंद नहीं आते कि जो ज़रा सा कुछ हालात टेढ़े देखे, गलत देखे तो बेंड हो गए, अपने आइडियल्स को, अपने उसूलों को भूल गए। वो लोग, उन लोगों में क्या रहेगा, कभी भी बदल सकते। नजमा हिब्तुल्ला के लिए महिलाएं और महिलाओं से जुड़े हुए सवाल इतनी अहमियत रखते हैं कि वो राज्यसभा से वक्त निकाल कर भी उनकी तरफ ध्यान देती हैं। आज सुबह एक सेमिनार का उद्घाटन है जिसका विषय है औरत और विकास। It's my habit to be there in the parliament half an hour, 45 minutes before, because we have wasted so much time, especially the women's movement and women's positions have been relegated in time, that it's high time that we should, at least in the 50th year of India's independence, we take a resolve that we would be not only on time, but we'll try to be earlier than the appointed time. And that's the reason that I came 15 minutes early. I didn't mind if...
always with you all. Especially I am with all those men who stand by women for their rights and responsibilities. Thank you very much for giving me this opportunity. नजमा जी 12 साल से राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन हैं। संसद पहुंचते ही उनके दफ्तर में सांसदों की भीड़ लगी रहती है। आज उनका इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के केएन मलकानी, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना चाहते हैं। ओ बाबा, मैं ये सब मेरे से कहेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ गई हूं। लेट आई लेट मी टॉक प्लीज बिफोर वी राइज फॉर द डे। इफ नॉट देन यू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू रीड दैट स्मॉल लेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। पीएम से कहना जरा मुझे बात कर ले। कुछ लोगों से मिलने के बाद नजमा जी सदन के अंदर अपनी कुर्सी संभालती हैं। आज आपने देखा होगा टीवी पे और हाउस में भी कि कितना मुश्किल होता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बड़े लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में से कुछ ना कुछ करके आए हैं, और जब उनको समझाओ मना करो तो बड़ा मुश्किल होता है समझाना, और अपने को भी लगता है कि कैसे कहो किसी को। तो ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों की तरह क्यों बिहेव करते हैं? ऐसा रहता है ना, अपनी समस्याएं होती हैं हर एक की, अपने एक तो पार्टी आइडियोलॉजी होती है, पार्टी के कमिटमेंट्स होते हैं। मगर मुझे दुख किस बात पे होता है कि एक तो हमारा पार्लियामेंट के सेशन का टाइम कम कर दिया है हर सरकार ने, पिछले कई सालों से उसको कम कर रहे हैं। जहाँ कानून बनाना होते हैं वहाँ कानून जो आते हैं, जो बिल आते हैं, जो बिल के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, जो एक्ट बने उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, उस पर हम लोग बगैर चर्चा करे हुए पास कर देते आखिरी दिन। जैसे आज हमारे यहाँ कितने लेजिस्लेशन लगे हुए हैं, उस पर कोई बहस, उस पर बहस नहीं होगी, उस पर कहेंगे कि अब टाइम नहीं है, आज आखिरी दिन है, जल्दी करो तो बगैर बहस के कर लो, या एक कर्सरी बहस कर लो, मामूली बहस कर लो। उसका नतीजा क्या होता है? मैं अगर एक सवाल उठाऊँ या हमारे कोई बहुत ऑनरेबल मेम्बर कोई सवाल उठाएँ कि उनके गाँव में बाढ़ आ गई है, ठीक है, उससे बहुत लोग इफेक्टेड होते हैं, मगर जो लेजिस्लेशन होते हैं उसका असर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर होता, पूरे देश के ऊपर होता, देश की करोड़ों करोड़ों जनता पर होता, तो ये और इंटरनेशनल भी होता है, सिर्फ नेशनल नहीं होता। बहुत से ऐसे लेजिस्लेशन होते हैं जिनका असर हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ सकता है, दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात से पड़ सकता है, उसको हम ऐसे ही पास कर देते हैं। कोई कोई लेजिस्लेशन ऐसे पास हो गए हैं बगैर बहस के कि जिसके बाद में असर पता लगे, कह रही इससे तो बड़ा नुकसान हो गया। राज्यसभा से लौटने के बाद उनको थोड़ी सी फुर्सत होती है, और फुर्सत में भी बातें होती हैं औरतों के लिए 33% संसद में आरक्षण की। नजमा जी इस कानून के पक्ष में हैं। सब पार्टियों के एक महिला विंग होती है, कार्ड बांटना, जीने चढ़ना, मीटिंगें कराना, भाषण करना, जमा करना, ये तो सब काम वो गधागिरी तो वो करती हैं, मगर सत्ता में भागीदारी देने की क्या काबिल नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर 950 मिलियन में आधी औरतें हैं तो क्या वो इस काबिल नहीं है कि उसमें से हम 100-200 महिलाएं भी चुन के पार्लियामेंट के अंदर ला सकें? जो नहीं आनी चाहिए, नहीं मगर वो कैसे दें, टिकट देते नहीं पॉलिटिकल पार्टीज पे आप लाजमी कर नहीं, दें नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा ठीक है मैं 35% 30% जो भी कहेंगे हम 33% देती हूँ, देते वाले हैं हम लोग, पार्टी के लोग कहेंगे देते हैं महिला को, और वो देंगे अटल बिहारी वाजपेयी जो हम जीत के आने ही वाले हैं उनके सामने महिला खड़ी करती तो हार ही जाएगी। नजमा जी 18 साल हिंदुस्तान में एक औरत ने राज किया, हाँ, औरतों के लिए क्या किया इंदिरा गांधी ने जिससे हमको ये हौसला हो कि जितनी और औरतें आएंगी उससे जो औरतों के सामने मसले हैं वो कम हो जाएंगे? इतनी बहुत सी योजनाएं बनाई। देखिए क्योंकि अगर इंदिरा गांधी ने आप समझती हैं कि कुछ नहीं किया तो इसका मतलब कोई महिला नहीं आए। अच्छा पुरुषों ने क्या जो नहीं किया, तो 50 साल में तो 18.5 साल ही महिला रही, बाकी तो 12 दिनों पुरुष रहे ना, तो ये कंपैरिजन आई डोंट एग्री विद। मैं समझती हूँ कि इंदिरा गांधी ने भी शुरुआत करी, और मैं माय रिस्पेक्ट टू राजीव गांधी, उन्होंने सबसे ज़्यादा किया, उन्होंने एक सोच दी लोगों को, मसलन ये जो उन्होंने पंचायत के अंदर सत्ता में भागीदारी दी एट द लोएस्ट ग्रास रूट लेवल। अच्छा, और ग्रास रूट लेवल पे होता है असली मेंबर पति,
और पत्नी सामने आके वो बैठी, कोई बात नहीं, तवलीन थोड़े दिन होगा, थोड़े दिनों के बाद वो महिला में समझ आ जाएगी। हम लोग ट्रेनिंग तो शुरू कर रहे हैं महिलाओं की, जब हम उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो समझदार हो जाएं पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैसे अपने पर रहना। ये कोई ट्रेनिंग स्कूल थोड़ी है, लोकसभा के नहीं, लोकसभा नहीं, हम पार्लियामेंट से नहीं कर रहे हम एज ए ये जो बिल आप बनाने जा रहे हैं जिसको आप सपोर्ट करती हैं, इससे तो यही होगा ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, जब तक ये औरत लोकसभा में आएगी तब तक ये अनट्रेंड होगी। नहीं फिर वो वही समझा रही हूं, हमारे पैसों हाँ, से ट्रेन होगी। नहीं, नहीं, तो वो नहीं कर रही मैं वो वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारे जो महिलाएं हैं हम उनको पहले से ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है। आपको नहीं लगता कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के लिए? वो तो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, महिला के लिए, दोनों के। पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि औरतें ज्यादा जाहिल हैं हिंदुस्तान में, जहालत औरतों में ज्यादा है। 200 औरतें नहीं मिलेंगी पढ़ी लिखी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो उस दूसरे कानून के भी पक्ष में थी जिसके बनने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को अपने पति से आर्थिक सहायता मिलना बंद हुई, तो वो सीधा जवाब ना दे पाई। देखिए शामारू का केस जो था वो बहुत ही डीरेल हो गया था, एक तरीके से वो पॉलिटिकलाइज हो गया था। मुझे अफसोस ये होता है कि जो महिला का मामला होता है या मुसलमानों का मामला होता है, माइनॉरिटीज़ कोई दूसरी माइनॉरिटी, वो पॉलिटिकलाइज हो जाता है। उस मसले को पॉलिटिक्स से अलग रख के एक समाजी मसला समझ के देखना चाहिए। बहुत सी ऐसी खराबियां हमारे समाज में हैं जिसको अगर हम नॉन पॉलिटिकल करके सोचें तो उसमें पॉलिटिकलाइज कैसे हो गया था? वो हो जाता है, यही तो हमारी बदकिस्मती है। वो सामाजिक मामला नहीं था? था, मैं तो खुद कह रही हूँ सामाजिक मामला था, एक औरत की समस्या थी, वो बेचारी गरीब रास्ते पे चली जाए इसकी मसला था। उसको पॉलिटिक्स से अलग रख के, कॉन्ट्रोवर्सी से अलग रख के सोचने चाहिए। यही मेरा आपसे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जो कुछ ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। तो पॉलिटिकलाइज किसने किया आपके ख्याल में? आम लोगों ने किया, पब्लिक ने किया, जो जो पॉलिटिक्स के ऊपर, आम लोगों की समस्याओं के ऊपर अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं उन्होंने किया। लंच के वक्त पार्लियामेंट हाउस एनेक्स में टर्की से आए हुए एक डेलीगेशन के लिए दावत है जिसकी मेजबान है डॉक्टर हेप्तुल्ला। आइए, आप अपने लोकसभा के लोगों को बुला लीजिए। It's a small candy pot prepared for you by the Turkish craftsman. नजमा हेप्तुल्ला ने अपने 17 साल के राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। ये करना कितना मुश्किल हुआ होगा आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में औरतों की पॉलिटिक्स में एंट्री अक्सर इसी वजह से होती है कि वो किसी नेता की बीवी, बेटी या बहन होती हैं। हमने उनसे इस अजीब परंपरा के बारे में पूछा। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने बीए पास कर लिया, एमए कर लिया और मैं सीधे आके पार्लियामेंट की मेंबर बन गई जस्ट बिकॉज आई एम ए एजुकेटेड पर्सन। पॉलिटिक्स इज़ ए ट्रेनिंग, जो लोग काम करते हैं उनके घर में पूरा माहौल वही होता है। मैं क्यों पॉलिटिक्स में आई, मैं तो पीएचडी करके बहुत जल्दी, मैंने 22 साल में पीएचडी कर लिया था, फर्स्ट क्लास आई थी एमएससी में, मैं तो कोई भी करियर ले सकती थी जो जिसके लिए मैंने क्वालिफाई किया। क्यों मैं आसानी से पॉलिटिक्स में आ सकी, इसलिए कि मेरे घर में माहौल था। मैं ज़ाहिर है मौलाना साहब के इंतकाल के 22 साल के बाद आई, तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं उनकी जूते पहन के आ गई हूँ। बचपन से आँख खोली तो यही देखा कि वो जेल में है। हम पूछते थे अपनी दादी से कि भाई जो आदमी नेक है, शरीफ है, अच्छा काम कर रहा है, देश को गुलामी से आज़ाद करा, आज़ादी दिलाना चाहता है, वो जेल में क्यों है? जेल में तो चोर उचक के कातिल जाते हैं।
بچپن سے دماغ میں یہ بات ہوئی کہ نہیں یہ انگریز جو ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اس لیے ان کی آواز بند کر کے جیل میں بند ڈال دیا ان کو. تو کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ بچپن سے پیدا ہوا جو انوالو تھے اس میں, تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی آنے میں, مجھے کوئی نیا پن نہیں لگا, مجھے وہ اپنائیت لگی کہ ہاں یہ تو ایک ماحول ہے. بہت سی عورتیں جو گھبراتی ہیں تو سمجھتی ہیں بڑا مشکل کام ہے. نہیں, پر ان عورتوں کو تو لایا جاتا ہے, لایا نہیں جاتا, پارٹی سے ٹکٹ آسان رہتا ہے, باقاعدہ جا کے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ان کے سامنے جا کے جھکتا ہے, فرشی سلام کر کے مانگ کے لاتا ہے ان کو. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے روچی ان کو ہوتی ہے, اس میں وہ ان کی پہچان ہوتی ہے, وہ جانتی ہیں پولیٹکس کیا ہے. نہیں, بٹ اٹس اونلی ان آور کنٹری کہ جی ہسبینڈ ڈائز گیو دی سیٹ ٹو وومن, اٹ ڈزنٹ ہیپن اینی ویئر ایلس. کیونکہ ہمارے ہاں جانتی ہیں نا, ان کو پتہ ہے, اٹس اے پروفیشن. ساری مہیلائیں نہیں ہیں ایسی, بہت سی پارٹیاں ہیں کیڈر پارٹیاں. پروفیشن ہے کہ جاگیر ہے آپ کی, یہ جو پارلیمنٹ کنسٹیٹیوئنسیز ہیں یہ ایک قسم کی جاگیر نہیں بن گئی ہیں, تو پرشوں کی بھی جاگیر. اچھا, آپ اگر یہ مہیلا کے اوپر کہہ رہے ہیں تو پرشوں کا نہیں ہوتا کہ باپ مرے تو بیٹا آنا ہی آنا ہے وہاں. کتنے میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں گنا سکتی ہوں کہ فادر گزر گئے تو ان کے بیٹے کو فلانے خاندان کے ہیں, وہ نام سر نیم ان کا لگا رہتا ہے کہ اس خاندان سے وہاں نہیں ڈائنیسٹی بن جاتی. غلط ہے, غلط ہے. اگر وہ غلط ہے غلط ہے, اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. مگر وہ الاؤ ہوتا ہے, صرف مہیلا کے اوپر یہ الزام لگے کہ وہ بیوی ہے تو آ گئی. دوپہر کو بھی ان کے دفتر میں ملنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. سنسد کے سیشن کے دوران وہ مانتی ہیں کہ ان کا پورا دن راجنیتک مسئلوں میں ہی الجھا رہتا ہے. گھر, بچے, پتی سب پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن ان کے پتی اکبر کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. She has got a lot of energy, you know, and she has got she likes to do 10 projects at a time, and she is not only involved in parliament, وہ تو 10 ایکٹیویٹی کے ساتھ میں ہوئے تبھی اس کی لائف چلتی ہے کیا. تو شی از دیٹ وے کہ بھائی ایجوکیشن فیلڈ میں بھی کرنا ہے اور پالیٹکس میں بھی کرنا ہے, انڈو عرب سوسائٹی میں بھی کرنا ہے, کامن ویلتھ میں بھی کرنا ہے, ورلڈ فیڈریشنز میں بھی کرنا ہے. شی ول بی بزی وتھ سو مینی تھنگ, دین اونلی ہر لائف کین گیٹ کمپلیٹ, ادر وائز شی از ناٹ کمپلیٹ, یو نو. اکبر صاحب, آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کی فیملی لائف پہ فرق پڑا ہے نجمہ جی کے پالیٹکس میں ہونے سے؟ نہیں, ایسا کوئی خاص نہیں فرق پڑا. کیا سمجھا, مر تو تھوڑا بہت یہ فرق یہ رہا ہے کہ بھائی کہ وہ بہت بزی رہتی ہے اور ہم کو بات کی لائف کے اندر جب یہ بہت بزی رہی تو ہم کو فیملی کو مینیج کرنا پڑا تھا. تو اس سے آپ کو کبھی برا لگا کہ وہ بچوں کو بھی آپ سنبھالیں؟ نہیں, کوئی ہمارا بیکاز آئی ہیڈ انٹرسٹ ان ایجوکیشن مائی سیلف, یو نو, ٹیچنگ کے اندر یہ ہو تو دیٹ پارٹ I managed with the children, you know, myself. بچوں کو کبھی محسوس ہوا کہ بچے لوگ کو ہوا, ڈیفینیٹلی دے ور لٹل ویری اریٹیٹڈ, ویری اینگری, اینڈ دے ڈنٹ لائک اٹ, یو نو, دے ور لٹل پریجڈس. ایون ٹو ڈے وہ پریجڈس رہتی ہے وہ لوگ کو. کیا ناؤ دے آر ریکورنگ آؤٹ آف اٹ, یو نو, آفٹر مینی ایئرس, بٹ ادروائز دے they wanted the mother to be with them all the time, you know. Najma ji ke ghar lautne tak der sham ho jati hai aur aane ke baad bhi wo kaam mein masroof rehti hain. No, all of them are good people, including you. Fursat ka waqt unko sansad ka session khatam hone ke baad hi hota hai aur is fursat mein wo apne dher sare shauk poore karti hain. ہم دونوں میاں بیوی کے موٹاپے سے ہی لگ رہا ہوں کہ کتنا کھانا پکانے کا شوق ہے. کھانا پکانے کا شوق ہے, کس قسم کا کھانا؟ ہر طرح کا کھانا, جیسا بولو پکا سکتے. تو آپ پکاتی ہیں وقت ملتا ہے؟ جب میں وقت ملتا ہے ضرور پکاتی ہوں. کیا کیا آپ کی وہ خاص پسند کیا ہے؟ میں سب چیز اچھی لگتی ہے مجھے کھانے میں, ہر چیز پکاتی ہوں, مگر اچھا مزیدار چٹپٹا کھانا ہو, پھیکا کھانا نہیں اچھا لگتا. اور پڑھنا سب سے زیادہ پوئٹری پسند ہے, اور اردو انگریزی, انگریزی کی, اردو کی بھی انگریزی کی بھی, اور مجھے بایوگرافیز پسند ہیں, آٹو بایوگرافیز پسند ہیں. اس لیے پسند ہے کہ دوسروں کی زندگی کے صحیح انوبھو سے انسان کچھ سیکھتا ہے,
हम लोग और किताबें पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं और दूसरी किताबें इंफॉर्मेशन की पढ़ते हैं। जब बायोग्राफी से पता लगता है वो बहुत अच्छी। म्यूज़िक, ओ म्यूज़िक आई लव, आई कलेक्ट म्यूज़िक। मेरे पास दुनिया के हर जबान का म्यूज़िक है। क्लासिकल, क्लासिकल इंडियन क्लासिकल मुझे बहुत पसंद है, और वेस्टर्न ओपेरा पसंद है, वेस्टर्न क्लासिकल जैसे चाइकोस्की, बा। 17 बरस पहले जब नजमा हेपतुल्ला ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, उनकी 3 बेटियां बहुत छोटी थी। वो कबूल करती हैं कि उनके बच्चों को इससे काफ़ी तकलीफ हुई। एक बार बच्ची की, छोटी बच्ची को मैंने बिल्ली दिलाई थी पेशेंट के, उसको कुत्तों ने खा लिया, मार डाला। 12 बजे रात को फ़ोन आया, रोना धोना हो रहा है कि बिल्ली मर गई, मैं क्या करूं। अब मैं 12 बजे रात को जा नहीं सकती थी, सुबह चली गई फर्स्ट फ्लाइट। मगर इमेजिन, एक माँ का दिल क्या कहता होगा बच्ची के लिए कि वो अकेली है। माँ, मेरी माँ थी, मेरे हस्बैंड थे, उसकी बहनें थी, क्लोजनेस जो माँ की होती है। जाके उसको दूसरी बिल्ली दिलाई। उन्होंने कभी रिजेंट किया? डेफिनेटली किया, बहुत रिजेंट किया। ये छोटी वाली तो बात ही नहीं करती थी, अभी कुछ साल पहले बिल्कुल शी यूज्ड टू, इफ आई आस्क हर समथिंग तो यप नो, इस तरह से बात करती थी। नजमा हेपतुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन के लिए दाम तो अदा किया है, लेकिन वो अपने करियर की चोटी पे भी पहुंच सकी हैं। कुछ महीने पहले जब देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। तो क्या उनको दुख है कि आखिरी वक्त पे उनको राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिला? देखो, डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी। मैं तो 57 हूँ अभी, अभी इस वजह से मुझे अपनी असली एज भी बताने पड़ती, नहीं तो लोग, महिलाएँ तो कहती मैं 47 ही हूँ। बट 57 इज एन एज वेयर स्टिल आई हैव लॉट ऑफ फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। जब 75 वालों का फ्यूचर है तो 57 का तो है ही है। इसके लिए नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ ये है कि अगर कोई भी काबिल औरत भी कहीं मिल सकती है महिला किसी काम के लिए, तो किसी न किसी बहाने उसको नहीं लेते, इग्नोर करते। मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि महिला ट्रांसपेरेंट होती है कांच की तरह, दिखाई उसके पीछे का देख लेते हैं, वो नहीं दिखाई देती है। फाइनली, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? जिंदगी में कोई रिग्रेट होना नहीं चाहिए अगर इंसान खुशी की ज़िंदगी गुजारना चाहे। ज़िंदगी एक ऐसी तरीके से जीना चाहिए ये सोच के कि जो आज है वो कल सूरज डूबते ही पुराना हो जाएगा, और जो कल है वो हमारे सामने आएगा सूरज निकलते ही। अगर दुख है आज तो वो कल भूल नहीं चला जाएगा, और अगर खुशी है तो ये कोई परमानेंट नहीं रहेगी। आने वाला सूरज क्या लेकर आएगा किसी को मालूम नहीं। तो रिग्रेट किस बात की करनी, क्या मालूम अगर हम ये नहीं होते तो क्या होते।